तो हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं इसे एयरटेल ऐप ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पासपोर्ट मांग रहा है। तो मैं यहाँ पर ये पासपोर्ट दूंगा तो ही ये एयरटेल ऐप ओपन होगा। तो अगर मैं इसमें अगर गलत पासवर्ड देता हूँ तो देखिए क्या होता है। ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अगर गलत पासपोर्ड देता हूँ ये बोलने लगता है। ऐसे ही आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में किसी भी ऐप में और अपने स्क्रीन ऐप में आप लोग फिंगरप्रिंट और पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं, वो ही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए प्रवेश टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल को, और यहाँ पर बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेलेक्ट कर दीजिए, और वीडियो को अभी आप लोग एक लाइक यहाँ पर कर दीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूँ। तो पहले उस ऐप में कैसे सेटिंग करना है, कैसे ऐप लॉक लगाना है, वो मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐप को ओपन कर लिया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ओपन कीजिएगा तो आप लोगों को बोलेगा एक ड्रॉ पैटर्न। तो आप लोग कोई भी यहाँ पर पैटर्न यहाँ पर सेलेक्ट ये कर लीजिएगा। कोई पैटर्न सबसे पहले आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। कंफर्म पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि ऐप लॉक, तो हमें तो पैटर्न तो नहीं लगाना है, हमें लगाना है फिंगरप्रिंट एंड यहाँ पर पासवर्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग में सबसे पहले बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को इसे करके टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग पर यहाँ पर टैप कर देना है। सेटिंग पर टैप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा लॉक पैटर्न, तो इस पर आप लोगों को टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों को ये पिन एंड फिंगरप्रिंट, इस पर आप लोगों को टैप कर देना है। टैप करने के बाद आप लोगों को बोलेगा क्रिएट ए पिन, तो यहाँ पर आप लोगों को एक क्रिएट पिन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना पिन क्रिएट कर लेता हूँ। तो दोस्तों क्रिएट पिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को आपका एप्लीकेशन दिख जाएगा। आप जो भी एप्लीकेशन में यहाँ पर लॉक लगाना चाहते हैं उस एप्लीकेशन के सामने यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को लॉक का बटन, इस पर आप लोगों को टैप कर देना होगा। अब ये एप्लीकेशन लॉक हो चुका है, तो जैसे ही आप लोग उस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करेंगे तो सिंपली सा सबसे फर्स्ट में आप लोगों को यहाँ पर बोलेगा कि लॉक देने के लिए। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर लॉक देने के लिए, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर मुझे लॉक देना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अगर गलत लॉक देता हूँ तो ये बोलने लगेगा, अगर गलत लॉक दूंगा तो यहाँ पर ये बोलने लगेगा, तो यहाँ पर सही लॉक दूंगा तो ही यहाँ पर ये खुल जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। सबसे फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पर प्ले स्टोर में जानी है। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बॉक्स में यहाँ पर टैप करनी है और सर्च करनी है यहाँ पर लोगों को फिंगरप्रिंट लॉक, यहाँ पर सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगा, इस पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों मैंने जैसा जैसा सेटिंग बताया वैसा सेटिंग आप लोगों को यहाँ पर करनी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में यहाँ पर ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कभी तब नेक्स्ट वीडियो में।